तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं जा रहा हूँ ऊपर अपने कबूतरों के लॉफ्ट में। और गाइस, मैं अभी सुबह से तो एक भी बार नहीं गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को भी वहाँ दिखाता हूँ कि क्या अपडेटेड है, क्या चल रही है वहाँ पे। और वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि अभी वो लोग क्या के, क्योंकि पापा ने सुबह ही खोल दिए थे, तो वो सुबह से खुले हुए हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं कि इनका क्या क्या। ये देखें, ये बाहर घूम रहे हैं, ये हमारी फीमेल्स बाहर घूम रही हैं सारी, क्योंकि मेल्स आई थिंक बैठ गए होंगे अंडों पे, तो फीमेल्स आ गई हैं। पर झड़ रहे हैं गाइस इन लोगों के, तो ये शायद पर झाड़ रही है फीमेल। ये देखें, आज गाइस मैंने एक चीज़ कर दी थी कल शाम को, जो मैंने नहीं बताया। इस फीमेल जो ये वाइट वाली है, इसका मेल की फीमेल अंडे नहीं दे रही थी, तो लॉफ्ट की भी सफाई करनी है गाइस। आज लॉफ्ट की सफाई मैं शाम को करूँगा, तो उसका वीडियो दूसरा बनाऊंगा। बहुत आसान है हमारा लॉफ्ट को साफ़ करना। ये बिछाने का फ़ायदा यही है कि आपको झाड़ू ही लगाने पड़ती है, सूख के खुद ही एक मट्टी की तरह हो जाता है। अब जब इसको क्लीन करते हैं झाड़ू की तरह, तब वो खुद पर साफ हो जाता है। अब मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें करनी है, क्योंकि जैसे कि ये फीमेल वगैरह अंडे पे है, ऐसे ये फीमेल अंडे तो देती नहीं है। और इस फीमेल कहाँ है, इसकी फीमेल एक अंडा दिया था, ये वाइट वाला वाइट फीमेल है, इसने ये अंडा दिया। तो गाइज मैंने इसको यहाँ रख दिया, क्योंकि ये फीमेल अभी अंडे सेकेगी। इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ये है, और ये फेंटल पिजन का बच्चा है। और इसके अंदर दो बच्चे रखे थे एक सेम साइज के, एक तो वो है जो अंदर बैठा हुआ है, और दूसरा बच्चा इसका ये रखा है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया है अलग अलग, क्योंकि ये सेम साइज के कर दिए बच्चे। ये सेम साइज के बच्चे हो गए, इसको हटा देते हैं अपन। तो ये सेम साइज के बच्चे हैं जो कि यहाँ बैठ जाएंगे। ये देखें आप, यहाँ से ये देखें, एक तो फेंसल पिजन का बच्चा है, दूसरा हमारा देसी का है। तो दोनों के जो एज है सेम है। आप लोगों को भी ना ऐसे ही करना चाहिए गाइस। जो क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा बच्चा हो जाता है, आपको भी पता होगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको एक साइड कर दो, क्योंकि जब वो फीमेल दोनों पे दाने खिलाती तो बराबर ही साइज बढ़ता है। और जब छोटे छोटे बच्चे वो एक साइज कर दिए, तो जैसे कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा था और इसके पास भी एक रख दिया मैंने, तो ये इसको देखो भी दाना खिला दिया है। ये दोनों सेम साइज के, तो ये फीमेल ये मार रहा है गुंडा गुंडा बने गुंडा। ये देखें गाइस, ये देखें कितना मार रहा है, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, बहुत गुस्सा दिखा रहा है, ये भी बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों को रख देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। ये दोनों बढ़िया से भाई भाई बन के रह लेंगे अपना। और इसका सीन था, तो इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ से क्या है, गड्ढा है नीचे को, अंडा बार बार नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं जिससे कि अंडे नीचे ना आ जाए। और कुछ पत्ती लकड़ी डाल देते हैं, तो अभी फीमेल आएगी वो अंडे पे भी बैठ जाएगी। यहाँ पर दिया मैंने, जहाँ वो गैप था उसके नीचे पत्थर रख दिए है और एक अंडा रख दिया, ये व्हाइट वाली फीमेल का अंडा है। तो ये कभी भी फीमेल अंडे देती ही नहीं है, इसलिए मैंने कि चलो ठीक है, अब ये नहीं दे रही अंडे, तो इसके नीचे मैं दूसरे के अंडे सेकवा रहा हूँ। और हमारा एक बच्चा ये बड़ा हो गया, ये देखे गए, ये काफ़ी बड़ा हो गया, बस अब ये दो तीन दिन में बाहर ही निकलने वाला है। ये देखे, ये बस एक दो दिन में बाहर आ जाएगा, अपना खाना पीना चालू कर देगा। इसका माँ बाप तो इसके हैवी नहीं है, और ये दो अंडों पर बैठा है। और ये फीमेल हमारी, इसके पर झड़ गए हैं, पर झाड़ पे ब्लैक कलर की फीमेल, देखें आप, बहुत पर झाड़ दिए इसने। ये देखें वो खड़े गए अपने आप ही, पता नहीं कैसे। तो इसके बच्चा, एक बच्चा इसी का है, ये दो बाज जो बच्चा, ये देखें कितना गुस्सा दिखा रहा है, ये देखें बड़ा गुस्सैल बच्चा है। ये दो बाज जो बच्चा है गाइस, इसी का है, और ये बड़ा शानदार हो गया। अब ये बड़ा भी हो गया, तो ये थोड़े थोड़े बहुत प्यारा बच्चा निकलेगा, तो इसको भी वापस रख देते हैं। और एक फेंटल का है, तो वो गाइस मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ फेंटल का। और ये बच्चा मैंने अभी सुबह सुबह चेंज किया है, यहाँ पर रखा है, क्योंकि एक देखो कितना पेट खाला था। इसके पेट में अलग अलग रखने से बच्चे का फायदा ये है, आप चेंज करते रहो, मतलब एक बच्चा जैसे कि इसके पास ये वाला जो बच्चा है पीछे वाला, वो रखा था, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने यहाँ कर दिया, वहाँ से बच्चा निकाल के यहाँ रख दिया, और इसका बच्चा वहाँ रख, मतलब एक्सचेंज करते रहो साइज में। वैसे भी गाइस जरूरी है, जैसे कि अब ये बच्चा है, ये देखें आप, अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा है, बढ़िया है, और बहुत अच्छे से पाल रहे हैं मावा। ये देखें,
सेम साइज के बच्चे हैं ये, एक और है उसका, तो बढ़िया पाल रहे हैं तो इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये अच्छा खिला पिला रहा है, साहब ये देखते रहो कि खाना पीना अच्छा खिलाना चाहिए माँ बाप को बस। तो ये है, ये फीमेल आ रही है, ये फीमेल अंडे पे बैठेगी अभी। फीमेल हमारी, इसने छोटे छोटे दो अंडे दिए हैं, तो अभी मैं इसके बैठे रहने देता हूँ, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि शायद ये अंडे में से बच्चे निकाल लें। और ये डरती भी नहीं है, क्योंकि पहली बार जो फीमेल अंडे देती है वो डरती है। ये देखिए ये चली गई, ये मैंने किसी और का अंडा रख दिया है। ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, कौन से कबूतर का अंडा रखा है मैंने, बाहर है शायद वो दोनों। और ये सेक भी रही है, जाके बैठ गई है अभी अंडों पर, ये देखें। तो ये अंडे सेकेगी, और नीचे एक जोड़ा वो लगा रहे हैं, ये अभी बच्चे थे तो आज सफाई करेंगे शाम को, वो भी आपको दिखा देंगे। और चलते हैं भाई बाहर, खाना पीना इनका ऑलरेडी हो चुका है, पानी इनके पास है, तब ये दिन भर आज घूमते रहेंगे। ये आज की अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बीमार बच्चा था, वो कहाँ है, ये ठीक हो गया गाइस, ये बीमार था। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।